ये हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय निवाई में नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। स्वभाव से जीव जंतुओं के प्रति दया रखने वाले डॉक्टर मुकेश सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि रखते हैं। जीव जंतुओं के प्रति दया इनका सह स्वभाव है। मैं नोडल अधिकारी प्रभारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान, ना सिख हूँ, ना ईसाई, मैं एक इंसान हूँ। और इंसान की सेवा करना, एक गरीब ऐसा है मजदूर इंसान की सेवा करना मेरा परम धर्म है, पहला। दूसरा, मेरा परम धर्म है बेजुबान जानवर जीव की रक्षा करना। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये चीज़, ये बातें यदि हर इंसान के समझ में आ जाएं, तो इस संकट की घड़ी से हम बहुत जल्दी निकल सकते हैं। मुझे जो ये प्रेरणा मिली है जीव जंतुओं की सेवा करने की और गरीब ऐसा है लोगों की, ये मेरे परम पूजनीय मेरे दादाजी के संस्कारों की वजह से है। जब मैंने किसी गरीब की झोली में एक सिक्का डाला, वो मुस्कुराया, तब मेरे को पता चला कि गरीब की दुआओं में कितना दम होता है। थैंक यू सभी लोग। ये हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय निवाई में नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। स्वभाव से जीव जंतुओं के प्रति दया रखने वाले डॉक्टर मुकेश सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि रखते हैं। जीव जंतुओं के प्रति दया इनका सह स्वभाव है। जब से इन्होंने निवाई राजकीय पशु चिकित्सालय में कार्यभार संभाला है, वहाँ की फिजा ही बदल गई है। पशु चिकित्सक होने के नाते ये पशुओं की देखभाल बड़ी तत्परता से करते हैं। चिकित्सालय परिसर में भी ही इनका आवास है, जहाँ पर अनेक जानवर इनके सानिध्य में रहते हैं और ये बखूबी उनकी देखभाल करते हैं। चाहे कुत्ता हो, तोता हो या किसी अन्य प्रकार के जानवर हों, सब इनके प्रेम के वसीदूत हैं। पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त भी निवाई में गौ सेवा दल द्वारा की जा रही सेवाओं में भी ये अपना योगदान देते हैं। बिना किसी स्वार्थ के जब भी कोई जानवर घायल होकर आता है, यह उसका इलाज करने तुरंत पहुंच जाते हैं। अब तक वहां पर इन्होंने करीब 40 विकलांग गायों का ऑपरेशन किया है। चाहे बंदर हो अथवा ऊंट हो, सभी का इलाज बड़ी तन्मयता से करते हैं। एवं जीव जंतुओं की सेवा में इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है। जीव जंतुओं की सेवा के साथ साथ गरीब व्यक्तियों की सेवा में भी इनकी कोई शानी नहीं है। इस प्रकार की छवि रखने वाले लोगों को ब्लेस न्यूज सलाम करता है।